My log, hello. Back again with Mr. Allwin. Location has changed because he says he's a star and he don't want to be shot in that car. So he said, "Keep location change karo, budget badao." Budget bada ke hum log idhar aa gaye. So Allwin, Rajiv bhai. Typical Rajiv bhai. Typical Rajiv. नहीं बट Allwin ने बोला कि मैं कार में शूट नहीं करूंगा. मैं बोला ठीक है भाई, क्या कंफर्टेबल है नहीं उधर. देखा ये निशी भाई आपकी कार के बारे में भी यही बोलते हैं. नहीं, यही बोलते हैं सबसे ज्यादा कि कंफर्टेबल नहीं आपकी कार में. तो अभी देख लो. सो अपना Allwin साहब, कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, हम लोग हरदीप भाई के पास रुक गए थे. तो हरदीप भाई से स्टार्ट किया. हरदीप भाई का हम लोग ने बात नहीं किया. हाँ तो वही बोला, हरदीप भाई का बात नहीं किया. हम लोग हरदीप भाई से बात किए थे. हरुण का, खुर्रम का. खुर्रम का नहीं, लेबर पे आ गए थे हम. अच्छा, तो भी हरदीप भाई की बात करेंगे. खुर्रम, आफ्टर दैट हरदीप. हरदीप का जो हैट्रिक है, ओ माय गॉड, जिस दिन उस दिन वो जो जिस तरीके से उसने जो सेलिब्रेट किया ना उसने, ओए होए होए. और आई विल टेल यू, मुझे याद है कि मैं उसमें कैप्टन था और निरूप का टीम के साथ था. ठीक है, और मेरी मेमोरीज ऐसी है कि लाइक उसमें उन लोग का जो ओपनिंग बैट्समैन था वही था मेन, और निरूप एंड बाकी टीम सब थे. टीम कड़क थी, उन लोग तो जो पहला स्टार्ट किया था, हमारे स्टार्टिंग जो भी बॉलर्स थे सबको मार रहे. बहुत परेशान हो गया था, और बॉल दिख नहीं रहा है ना, है ना, साइड व्यू नहीं दिख रहा है ना, ये ना वो, ऐसे सब बहुत इश्यूज हो रहे हैं. तब यार इनका स्पेल खत्म हुआ फास्टर का. फिर आप भी थे ना? नहीं, मैंने नहीं था. फिर 12th या 11th ओवर मैंने इसको दिया. जकी को भी पिटा उन लोगों ने, जकी को भी दिया था. जकी उसमें नाराज हुआ था कि यार दो ओवर क्यों नहीं दिया मेरे को करके. मैंने उसको एक ओवर में हटा दिया क्योंकि हरदीप बहुत जबरदस्त डाल दिया था. तुमने हरदीप को बुलाया, भाई हरदीप को बॉल मैंने हाथ में दिया, गेम चेंज फ्रॉम देयर. कड़क डाला, एकदम कड़क बोले तो एकदम कड़क डाला उसने. ये उसको मतलब 11-12 नॉर्मली उसको शैंक की शायद जल्दी दे देता है ओवर. तो मैंने उसको लास्ट में 11-12 ओवर दिया, भाई उसने जो परफॉर्मेंस दिया, हैट्रिक, विकेट, कोई रन नहीं, एंड दैट हैट्रिक सेलिब्रेशन जब उसने बोल्ड किया ना, वो तो जैसे वो चिल्ला रहा था, दैट वाज ऑसम फीलिंग. जो टीम में जो भी मस्त ऑसम फीलिंग था वो, दैट इज अनफॉरगेटेबल मोमेंट. फिर उसके बाद आता है उसके बाद हाँ राजीव भाई आपका. मेरा तो क्या है, मेरा अरे आप तो व्हेनेवर टीम रिक्वायर्स मैं विकेट आपको बॉल थमा लेते हैं. स्पिनर कौन है भाई सबसे पहले? राजीव भाई सच्ची में मेरे को ना, लेकिन यू इम्प्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम बॉटम. जब हम मैं बॉलिंग करता था तब अभी आप स्पिनर करते थे. मैं तो जो कर रहा था वही कर रहा हूँ. नहीं बट यू चेंज अ लॉट, आप देरी कर रहे हैं, स्लो इन द एयर फेंकना स्टार्ट किए. बहुत मेहनत किया उसने. यू हैव डन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड टीम को जब भी जरूरत था देवदा ने. जकी का क्या मेमोरेबल मोमेंट है. जकी वॉज कैप्टनिंग व्हेन वी वर प्लेइंग इन सिलिकॉन वैलीस. भाई वी मेड इट टू रनर अप एंड हम लोग जीत गए. निरूप के साथ टीम अप करके हम लोग जीत गए. जो एक्साइटमेंट दिखाया ना वो वीडियो है मेरे पास. जो एक्साइटमेंट दिखाया ना दैट वॉज सीरियसली वो नहीं भूल सकते. उसका परफॉर्मेंस से ज्यादा मुझे ये याद है उसमें वो आई थिंक वो टूर्नामेंट में ही वाज आल्सो बैटिंग वेल. अच्छा खेला था उसने, बहुत अच्छा खेला था उसने. फिर उसके बाद है अपना पुनीत भाई. पुनीत भाई का मेरे को कब याद है, जैसे हम वो स्कूल वाले वो जो अल नासिर वाला जो ग्राउंड में खेले थे, ओपनिंग आता था, लंबे लंबे बाल वाले, और यू नो ही यूज्ड टू खेलना ओपनिंग में, दैट वाज एक्सीलेंट. उसको उनका बैटिंग में जब भी आ रहा. फिर बाद में इन्होंने पुनीत कल रिसेंटली हम लोग ने नाइट टूर्नामेंट खेल रहे थे, आई थिंक इट वाज अ फ्रेंडली मैच विद ऑलराउंडर सीसी. भाई उनको कुछ भी बोल रहे, बॉलिंग करो, फास्ट करो या स्लो करो, ही वाज वन मैच और उसका बॉल मस्त हो रहा है. आई थिंक कीपर कौन था, अनिल था, अनिल बोल रहा था उसकी उसका बॉल नहीं खेल सकता, ऐसा पूरा घूम रहा है मस्त अवे में.
वो मैच में जबरदस्त बॉलिंग किया, बॉलिंग किया था, बहुत जबरदस्त किया। सतीश भाई का बैटिंग, सतीश भाई का बैटिंग में मैं कब दिखा था, जब वो भी हम लोग सुबह जिस दिन हितेश खेला था, आई थिंक तभी ऑपोजिशन में, ऑपोजिशन में तब ने जो सौरभ भाई ने जो मारा था उनको, नो डाउट इज अ क्लास बैट्समैन, बट आई डोंट नो वो थोड़ा सा चांस या थोड़ा सा है ना, अभी निशित भाई बोल रहे कि उनको थोड़ा ऊपर खिलाओ, ऐसा ऐसा है तो उनका वो बात, उनकी बैटिंग। और उसके बाद निशित भाई का तो मुझे याद है कि उनका कीपिंग आउट क्लास भाई, धोनी से भी फास्ट है मैं तो बोलूं। मस्त, दैट इज उनका याद है मुझे उनको। फिर और कौन है, कोहली साहब तो भाई, कोहली साहब तो अलग ही है। कोहली को मैंने जब से, आई थिंक कोहली को मैंने एक बार कैप्टनशिप में मैंने दिया था फर्स्ट ओवर, ही वॉज वेरी नर्वस भाई, डाल ही नहीं पा रहा है वाइड पे वाइड ये ना वो। आफ्टर दैट नाउ ही इज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्रिकेटर्स, जब बॉलिंग में जो दिमाग लगाता है ना भाई, ये रिसेंटली अशरफ वाले में इसने जो स्लोअर वन डाला ना, दैट वन बॉल चेंज द एंटायर मैच, अगर भाई वो खड़े रहता ना वो मैच खत्म था, दैट वॉज अनफॉर्गेटेबल एंड ही इज डूइंग वेल। मुज्जू का तो अपना ये टूर्नामेंट में जो ही जो उसने चार विकेट हॉल लिया था, चार पांच तो मिल जाता था लेकिन बेरली, हाँ ही गॉट इंजर्ड आई थिंक, राइट, अपने आप ही निकल गया होगा, चार विकेट का जो विदाउट गिव, आई थिंक दो या तीन रन दिया उसने, बहुत खतरनाक, दैट इज मुज्जू का तो मेरे पास बहुत सारा है। मुज्जू ने बैटिंग भी बहुत जबरदस्त किया था उस दिन, नूरुप बोले के मैच में ही उसने ही खेला था, नूरुप का बॉलिंग गाली तो बहुत पड़ा है, नूरुप ये मुज्जू की बॉलिंग में कैचिंग मिस किया है हमने ये किया, लेकिन आउट क्लास बॉल, बहुत सुपर बॉल, मैं खेलूंगा उसका, मैंने उसको फेस नहीं किया कभी, यू बिलीव दैट, मुज्जू को नहीं, नहीं नहीं मैंने मुज्जू को ज्यादा फेस नहीं किया, हम आपस में खेले तो मुझे तो आता ही नहीं था, मुझे हमेशा ऑपोजिशन में ही पाया, ऑपोजिशन ना हम साथ में खेले, मुझे शेट्टी का खेला है, शेट्टी का बैटिंग नहीं देखा मैंने ज्यादा, धुआंधार बैटिंग नहीं देखा मैंने, लेकिन उसका बॉलिंग मैंने देखा है, कड़क बॉलिंग करता है उसका, फुल फेस भी किया मैंने बॉलिंग, उसने एक दो बार मेरे को ट्राई भी किया, बीच भी किया, मतलब पैर पे लग गया, LBW था नहीं, पैर वैर पे है ना, फिर एक्सलेंट क्या टीम है, देखो यू सी द मेमोरीज, ले लो ना सब मैच विनर्स, मैच विनिंग मोमेंट्स है सबका, हाँ तो मतलब सबका मैच विनिंग मोमेंट ही तेरा मेमोरीज है सब, वैसे मैं याद रखता हूँ कि हाँ भाई ये ऐसा खेलता है। फिर अभी और कौन है, अभी आई थिंक ऑलमोस्ट डन, हरीश भाई हो गए, हरीश भाई, अरे अपना पाटिल भाव, पाटिल भाव का ओपनिंग कड़क मारते, अरे ओपनर क्या थे वो, जो अशरफ की ग्राउंड में मारता था, मैं ओपनिंग करता था, मैं साइड में खड़ा था, उनका बॉल जो बैट पे लगता है ना, ओ सुपर था वो, मजा, अभी पता नहीं क्यों संन्यास ले लिए, विल बी बैक राइट, थिंक सो, वी शुड बी बैक, बट हरीश का तो मैंने बॉलिंग जब मेरे को बोल्ड किया था उसने, हरीश ने मेरे को बोल्ड किया है ना प्रैक्टिस मैच में हमारे, पैर की डर लग के बोल्ड हो गया था, हरीश ने बोल्ड मारा था, सो यू स्टिल रिमेम्बर दैट, या स्टिल रिमेम्बर, बाद में दोबारा चांस नहीं दिया तुमने, नहीं इसका थोड़ा सा बॉलिंग एक्शन में डाउट है सबको, टूर्नामेंट हाँ हम नहीं तो इज अ गुड बॉलर, बैट्समैन भी अच्छा है उसके, तो ओपनिंग भी किया मैंने अशरफ के ग्राउंड लास्ट ये सब तो हो गई सम्राट की मेमोरीज, सम्राट के प्लेयर्स के साथ मेमोरीज, मेकिंग मेमोरीज है सब, ये सब तो हम बुड्ढे भी हो जाएंगे तभी से जीते हैं, अभी यू कांट फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स, बट व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कब से क्रिकेट खेल रहे थे, नॉट विद सम्राट आइडियली, नॉर्मली कब से खेल रहे, आइडियली तो मैं 5 साल का था तब से, कहाँ पे बेसिकली, मैं गुजरात में स्टार्ट किया, कहाँ पे, वापी में, वाशा यू आर फ्रॉम, आई मीन यू आर फ्रॉम केरला राइट, केरला बट बॉर्न अप एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, बिकॉज पापा
जो पहले जो वर्किंग थे ही वॉज इन वापी फर्स्ट, पहले पहले मुंबई में थे, मुंबई से फिर वापी गए, वापी में ही गॉट लाइक मैं हम लोग को सबको लेके गए वापी में भी वेर आई दैट वाज ऑसम। तो स्कूलिंग में भी स्कूल कॉलेज में हर जगह क्रिकेट खेला सब में, क्रिकेट में तो भी नेवर कभी किधर भी मैं रिजेक्ट नहीं हुआ। तो किसके किसके लिए क्रिकेट खेला, कॉलेज टीम के लिए, स्कूल टीम के लिए, सब सब कहाँ तक क्रिकेट खेला वहाँ पे? मैं एक्चुअली आई टेल यू, मेरा जो बचपन में मेरे पापा थे क्रिकेट को मेरे को सिखाने वाले, और मुझे बच्चे लोग के साथ खेलने नहीं देते, मैं खेलता था बड़े लोग के साथ। हाँ मैं बड़े लोग के साथ खेलता था, मुझे कभी भी बच्चे लोग के साथ, मैं कभी मेरे को बोलते थे जो अपनी उम्र के लोग के साथ खेलते वो उनकी टीम में रखते थे, और मुझे यूज्ड टू गिव चांसेस जैसे पुनीत भाई करते हैं, है ना, यूज्ड टू गिव मी चांसेस इन मेन मैचेस में भी लेते थे मेरे को, बोलते खेला इसको खेले ये, एंड आई वॉज वेरी यू नो ईगर टू प्ले, और आई टू फिर धीरे धीरे मैं सीजन खेलना स्टार्ट किया मेरे, बिकॉज द दैट टाइम एंड मोमेंट वॉज ऐसे था कि हम लोग वेर इन मतलब अड़ोस पड़ोस के साथ के हम लोग बहुत मिंगल होते थे। यू रिमेम्बर अपने चाइल्डहुड में कैसे थे हम लोग का जो एक्सपोजर जो मिलता था कि किधर भी जाओ खेलो भाई, इधर थोड़ा सा बॉक्स बना के खेलो, घर में अगर थोड़ा सा ना ये गली मिल गई तो उधर बस लगा दिया दो ईटा रख दिया भाई उधर खेलो, करेक्ट करेक्ट। यू रिमेम्बर दिस? तो उस टाइम से मैं ना टक टक खेल खेल के, एंड आपको याद होगा हम लोग को अपना द्रविड का एड आता था ऐसे बॉल लटका के वैसा मारता था, मतलब पेप्सी का आई थिंक, आई डोंट नो रिमेंबर। तो सॉरी टू कट यू, तो उधर से ही वो गली में खेलो ना इधर से खेलो, बिकॉज क्या होता है स्पेस तो कम होता है, सो उधर से ये स्ट्रेट ड्राइव आया क्या, उधर से ये स्ट्रेट ड्राइव मारना, स्ट्रेट मारना सब, क्योंकि मेरे को लगता है वो फ्लो जो है ना नेचुरल आता है, एकदम नेचुरल आता है। मैंने कोचिंग आज तक नहीं लिया ना, मैं क्रिकेट अकेडमी गया हूँ ना, कोचिंग किया ना कुछ नहीं, एवरीथिंग लर्न्ड बाय देयर ओनली, बेसिक्स बेसिक्स फ्रॉम देयर। बट ऐसा खेला था, ऐसा क्यों खेला, देखा कि नहीं ऐसा खेलो ऐसा खेलो, फिर बाद में मुझे वो मैं जब स्कूल में खेलता था ना, आई हैज टू बंक स्कूल एंड आई हैज टू गो फॉर क्रिकेट, मेरे को पकड़ा भी गया बहुत, दैट इज और क्रिकेट के मतलब पागल था, आई वॉज टोटली बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग। अब नहीं मानोगे अभी तो मेरा शरीर इतना हो गया, पहले मैं बहुत स्लिम था, एंड आई यूज टू उड़ता था मैं हवा में, रन अरे डाइव वाइव मारता था, कैचेस वैचेस बहुत जबरदस्त लेता था, स्कूलिंग एंड एवरीथिंग, वहां से मेरा क्रिकेट अच्छा हुआ वापी से, इंटर स्कूल इंटर कॉलेज इंटर डिवीजन सब गया खेलने, अरे बहुत डीप तक गया। फिर यहाँ पे जब भी आए तो यहाँ पे तभी अपने पास कहा अकेडमी होती थी, अकेडमी जब मैं जाके खेलो ऐसा कुछ था ना, किधर भी खेलो जब खेलो मैच जीता हो गया एंजॉय किया एंजॉय किया खत्म। फिर पढ़ाई में पापा ने बोला कि चले यार तेरे को यू हैव टू चूज वन, यू कैन 11th का 12th का मेरा एग्जाम था एंड आई हैव टू गो फॉर प्लेइंग दिस, कुछ था यार सिलेक्शन था अंडर 16 मुनाफ पटेल, आई हैव सीन मुनाफ पटेल बॉलिंग, आई हैव सीन और एक कीपर था आई डोंट रिमेंबर, भारती पटेल वो लोग बड़ोड़ा में खेलते थे, वी यूज्ड टू मैंने देखा है मैंने हम लोग को मतलब ये लोग खेल रहे हैं ऐसे, तब मुनाफ पटेल को सब लोग बोलते थे 140 150 का स्पीड में फेंकता है तब तो हाइप तो हम लोग देखा तब 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 के टाइम। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आए यूएई में तो फिर यहाँ पे कैसा क्रिकेट, क्रिकेट तो हम लोग किधर भी हो यू नो वो आदत तो है कि किसी जगह मिल गया चलो वहां खेलते थे, इवन इन शारजा ऑल्सो वी टू प्ले, बट सम्राट में कैसे है दैट अल्फ्रेड आई टोल्ड यू अपना जो प्लेयर था बॉलर था अल्फ्रेड, उसका कजिन है जस्टिन। अच्छा दैट टाइम सम्राट में प्लेयर्स ढूंढ रहे थे कौन कैसे स्टार्टिंग में जब दैट टाइम वो तभी ये कौशल और अनिल का ब्रेन चाइल्ड था कि चलो वो बोला तुम क्रिकेट खेलते हो तो तुम भी क्रिकेट खेलते हो चलो टीम में खेलते हैं, स्लोली स्लोली फिर वहां से एक एक गेम बाय गेम बनता रहेगा लोग आते रहे कुछ लोग जाते रहे अभी भी टिके हुए अभी भी टिके और वो तीन नंबर बना लिया अभी भी टिके। सो हाउ डू यू गेट दिस बैटिंग एट नंबर 3 कम्स टू यू नेचुरली और विच पोजिशन यू एंजॉय बैटिंग मोस्ट? मी एंजॉय एट नंबर 3 इन ऑल, यू वोंट बिलीव मैं स्कूल में भी नंबर 3 में खेलता था, मैं कॉलेज में भी नंबर 3 में खेलता था, एंड कोई हुआ और दिल्ली में भी यू नो व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क दिल्ली में खेलता था क्लब में, आई गॉट सेलेक्टेड इन क्लब, क्योंकि
मेरा जो बॉस था उनका दोस्तों का क्लब था, उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया चलो खेलेंगे करके, मैं उसमें घुस गया एंड दे गिव मी एन गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं दिल्ली में आई एम प्लेइंग इन अ ग्राउंड वेरी गुड ग्राउंड जबरदस्त टफ मैच दैट वाज ऑसम. दिल्ली का तो दिल्ली में तो पागल है, हरियाणा पंजाब लोग दिल्ली की. कितने साल खेला वहां पे? वहाँ 4 साल थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर करके थर्ड में सेकेंड में और थर्ड में भी नंबर थ्री पोजिशन पे कर. तो नंबर थ्री का टेम्परमेंट क्या है यार? जस्ट वांट टू आस्क. मतलब ओके नॉर्मली यू डोंट नो यू कुड बीन इन इन द सेकंड बॉल ऑफ द गेम राइट और मे बी देयर आर चांसेस दैट यू कुड नॉट गेट बैटिंग आल्सो. लाइक अगर तुम्हारे ओपनर ही चल गए 20 ओवर उन्होंने खेल दिया तो देयर आर चांसेस. मैंने राजू भाई ऐसा है कि ना आई लव बैटिंग, एक पैशन है बैटिंग कि आप नंबर वन पे भेजो नंबर थ्री पे भेजो मुझे खेलना है खेलना. वो अगर आप पे आ गया ना यू विल प्ले इन एनी ऑर्डर. मतलब नहीं बट नॉर्मली क्या होता है ना अगर विकेट नहीं नहीं मुझे ना जीतना का बहुत वांट टू चलिए बार हार गए नेक्स्ट टाइम वो फाइटिंग स्पीड कैसे भी जीतना ही है जीतना तो जीतना ही. सो हाउ मच आप लोग आप में अगर कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो यू गिव योर मैक्सिमम. लास्टली आपका गेम टीम अगर जीते हारे ना एटलीस्ट तुमने कुछ तो किया एटलीस्ट वी ट्राइड समथिंग. हम लोग इतना दूर से आए शरजा से आए शारजा से आए आफ्टर लॉट क्या पूरा सुबह सुबह 6 बजे ट्रायलिंग निशिबाई एवरीथिंग सबको मानना पड़ेगा. कौशल सबको मैंने सबको उठा के प्लेयर को सबको लेके आके ग्राउंड पे फेंकना लॉट ऑफ ऑल दोस थिंग्स ना कम्स के हम लोग इतने दूर से ये लोग सब किए वी शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द टीम राइट. नहीं नहीं वो नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि देख वो सब तो है दैट इज मेरे को तो वो सब दैट कम्स विद क्रिकेट यार. इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट ये सब चीज करना ही पड़ता है एंड ठीक है यू आर इक्विप्ड सो यू आर डूइंग इट. इफ यू आर नॉट इक्विप्ड यू विल नॉट डू इट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक कि कभी कभी होता है ना कि एक मेंटल ब्लॉक होता है कि यार ये मेरा पोजीशन है 3 नंबर अगर मैं 4 नंबर पे गया तो शायद मैं सक्सेस हो पाऊं नहीं हो पाऊं या मैं ओपन किया या तो 5 नंबर. कभी कभी होता है नॉर्मली होता है क्योंकि एक 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 ये आ जाता है कि हाँ मैंने और क्या होता है कि एक पोजीशन पे आप अच्छा करते हो तो आपको लगता है आप उस पोजीशन पे कंटिन्यूसली अच्छा करते जाओगे और उस पोजीशन पे अच्छा करके टीम जीत रही है सो यू फील रियली गुड. सो मतलब हैज इट एवर क्रॉस्ड योर माइंड कि नहीं ये तो मतलब यही पे खेलने का 3 नंबर? मैं तो अपने टीम में 4 डाउन भी खेला है 5 डाउन भी खेला है. तो दैट तो व्हेन वी आर एक्सपेरिमेंटिंग एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है. इवन दो इट्स ओके इवन दो वी प्लेड मेरा कंट्रीब्यूशन तभी भी रहा तभी भी नीचे भी रहा. बट आइडियली यू लाइक टू बैट एट नंबर 3. आइडियली आई लाइक टू बैट. तो नंबर 3 पे जब आप बैट करते हो तो फिर लाइक व्हाट गोज इनटू योर माइंड. मतलब क्या सोचते हो ड्यूरिंग द इनिंग्स दैट 20 ओवर्स का इनिंग्स. First you will tell me when we are batting first, second when we are chasing. How does it, what comes into your mind? How do you evaluate the game? See, how do you read the game? ये change हुआ है point of view में. हमारे सम्राट में पहले खेलते थे तो अपनी batting strength नहीं थी. You remember? So I think it will take more time. So we will come back. Allwin will answer that question because उसमें Allwin को ज़्यादा time लगेगा. So we will come back in the third part for that. ठीक है Allwin. And I want to elaborate. I want you to elaborate this properly because ये मेरे को समझने का तुमसे. Sure. चलो guys, I'll come back.